हो कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद आने वाले चुनावों में अपने भविष्य को अगर आपको चिंता है तो उसको बदल करके दिखाइए, क्योंकि सामने में जो तानाशाही शक्ति खड़ी है वो आपके अधिकारों और हक का हनन करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लोगों को खरीद कर यहाँ की सरकार तोड़ी गई, लेकिन झारखंड में हमारे महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर उस शक्ति को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, झारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है। चेहरा बदल गया है, चंपई चाचा जी यहाँ बैठे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों से जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग सबके लिए योजनाएं हैं, और आज उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई चाचा जी अग्रसर हैं, उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है सभी पार्टी के लोगों से, सभी गणमान्य लोगों से, सभी जनसैलाबों से जो सामने बैठे हैं, कि आपको लड़ना नहीं, आपको डरना नहीं है। क्योंकि आज झारखंड में एक लाइन बहुत मशहूर हो रही है, झारखंड झुकेगा नहीं। और आज इस शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान से मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूँ, इंडिया झुकेगा नहीं।